मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। बैतूल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, वे आज से नई बात कहना शुरू कर रही हैं। शराब नहीं, देसी गाय का दूध पियो। मधुशाला से गौशाला की ओर चलो। मधुशाला बंद करो, गौशाला खोलते जाओ। वह गाय जिन्हें किसान रखने में समर्थ थे वह खत्म हो गए, चरवाहे नहीं बचे। गाय को बांधने की जगह नहीं रही, इन तीनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गाय सहारा देती है, बोझ नहीं बनती। ऑर्गेनिक खेती मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ी है, इसमें सरकार का योगदान रहा है। जितनी ऑर्गेनिक खेती बढ़ेगी उतनी ही गाय की रक्षा बढ़ेगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में नए वर्ष में करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय से 2 बैरिगेटिंग के माध्यम से प्रवेश दिया गया था। 40 मिनट में श्रद्धालु दर्शन कर सके थे। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर प्रशासन पार्किंग के लिए अन्य व्यवस्थाएं करेगा। इस साल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 6 माह की देरी से गणवेश मिलेगा। इस बार स्कूलों में आधा सत्र बीत चुका है, अब तक गणवेश उपलब्ध नहीं हो सका है। राज्य शिक्षा केंद्र ने गणवेश वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गणवेश वितरण के लिए विद्यार्थियों की संख्या सहित अन्य जानकारी जुटाने के लिए सभी जिला परियोजना समन्वयक को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में अब नए साल में ही विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध हो सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन नई व्यवस्थाओं को लागू कर रहा है। शीघ्र दर्शन, गर्भगृह दर्शन और भस्म आरती की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के बाद अब मंगलवार से देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाली पूजन ऑनलाइन घर बैठ बुक करवा सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के पहले दिन उमड़े लाखों श्रद्धालु ने एक ही दिन में दर्शन कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं बाबा महाकाल के खजाने में भी इजाफा हुआ है। मंदिर समिति को एक दिन में लड्डू प्रसाद और शीघ्र दर्शन टिकट से करीब 42,00,000 रुपए की आय हुई है। हालांकि अभी मंदिर में रखी अलग अलग भेंट पेटी दान रसीद से प्राप्त आय के आंकड़े आना बाकी है। बीते 2 वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक दिन में मंदिर समिति की झोली में दुगना आय है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।